मॉर्निंग्स। ये मैं जो मिरर से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यह बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड हो चाहे आईसीएस बोर्ड हो, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और दर्पण से कितने दूरी पर रखा जाए उसका 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने। आपको यह पता है जब वस्तु ए और सी के बीच में रहता है तभी उसका आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो 4 गुना मैंने बोला है, तो एम बराबर आपका 4 हो गया। मैंने बोला है 4 गुना, तो आप लिखिए एम बराबर भी बटा यू। तो एम आपका, एम बराबर भी बटा यू, एम आपका 4 है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आप यह देखिए कि भी यहां पर है और मापने की जो दिशा है, मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इमेज इज द अपोजिट साइड ऑफ द कमिंग रेज, जो किरण आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी आपका माइनस में हो जाएगा और यू सदैव माइनस में होता है। ये काट दीजिए, भी बराबर हो गया 4u। देखिए कितना इजी है, मैग्नीट्यूड जो दिया रहेगा यहां पर लिखेंगे और भी बटा यू प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। अब चलिए हम लोग आगे को इस प्रोसेस को करते हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/v+1/u=1/f, और v का वैल्यू 4u है और u का वैल्यू u है, f का वैल्यू -20 है। चूंकि इन द कॉनकेव मिरर ऑलवेज फोकल लेंथ विल बी निगेटिव फॉर्म, तो एलसीएम हो गया 4u। 4u से भाग दिए 4u में 1 हुआ, यू से भाग दिए 4u में 4 हुआ, 1/-20। अब क्या कीजिए, 1 और 4 को जोड़ दीजिए, 5/4u = 1/-20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4u = 100, 4u = आपका हो गया -100। 25 जा 100, u = -100/4=25 सेंटीमीटर। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आपका ऑब्जेक्ट की दूरी -25 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से आपका वर्चुअल में भी पूछता है, तो मैं केवल आज यही बताया कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण के सामने कितने दूरी पर रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। सबसे पहले आप एम बराबर भी बटा यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 4 लिखेंगे जो दिया रहेगा एग्जामिनेशन में। भी फिगर के हिसाब से देखिए, निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव है, यू तो हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव वन हो गया, क्रॉस कर दिए, भी बराबर 4u। दर्पण का सूत्र 1/v+1/u = 1/f, और भी का वैल्यू 1/4u, 1/u, 1/-20। एलसीएम लेकर क्रॉस कर दिए, यू का वैल्यू आ गया -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका यहां बन रहा है, ठीक है। तो यू हो गया 25, तो भाई भी कितना हो जाएगा, 4 गुना यू कर दीजिएगा, तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे, थैंक यू वेरी मच।